सो आप सब लोग एनएचएम कर्मियों की सेवा समाप्त। जी हाँ साथियों, फिर से एक बार एनएचएम कर्मियों की सेवा को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। दो पदों को समाप्त किया गया है। कौन कौन से पद हैं? और दोस्तों स्पेशल ये बात है यूपी एनएचएम के लिए। जी हाँ, यूपी एनएचएम के लिए थोड़ी सी बुरी अपडेट ये हो सकती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दो वैकेंसी हैं, देख सकते हो। एक ये लेटर है, दूसरा लेटर है आपका ये लेटर है, ठीक है। इसमें डियर साथियों, जो एनएचएम के अंतर्गत जो COVID-19 अस्थाई सोर्स के थ्रू लगे हुए थे, तो उनके एक्सटेंशन ना मिलने की वजह से उनको यहाँ पर सेवा समाप्त किया जो है लेटर निकाला गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जिला पुरुष चिकित्सालय महुआ BSL 2 प्रयोगशाला कर्मचारी में कार्यरत आउटसोर्स मानव संसाधन की सेवाएं 30 जून 2024 को समाप्त करने के संबंध में। दोस्तों देखिए, एनएचएम में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको कभी भी किसी भी कंडीशंस पे निकाल दिया जा सकता है। तो उसी के थ्रू यहाँ पर देखोगे आप लोग डियर साथियों कि इसमें जिला पुरुष चिकित्सालय BSL थ्रू प्रयोगशाला में तैनात आउटसोर्स मानव संसाधन तथा नॉन मेडिकल साइंटिस्ट प्रयोगशाला प्राविधिक प्रयोगशाला सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा मिशन राष्ट्रीय निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में दिनांक 21 मई 2024 को स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उपरोक्त मानव संसाधन के मानदेय बिल माह जून 2024 का भुगतान दिनांक 30 जून 2024 के बाद नहीं किया जाएगा। तदनुसार उक्त की सूचना आप अपने स्तर को उपरोक्त कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो दिनांक 30 जून 2024 को उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी एवं 30 जून 2024 के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। दोस्तों एनएचएम के थ्रू साफ साफ कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा के यहाँ पर साइन है और जिला पुरुष चिकित्सालय महोबा BSL 2 प्रयोगशाला में कार्यरत। एक लेटर ये हो गया। उसके बाद में दूसरा जो है दोस्तों, COVID-19 के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अस्थाई की सेवा समाप्त की है। जो COVID-19 के समय जिन्होंने कार्य किया था, तो यहाँ पर उनकी सेवा अस्थाई रूप से समाप्त कर दी गई है। देखोगे आप लोग 19 अंतर्गत जनपदवार आउटसोर्स अस्थाई मानव संसाधन की सेवाएं अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो ये दो बड़ी अपडेट हैं आप सभी के लिए, ठीक है।